हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं चटनी जो सिर्फ 5 मिनट में बनेगी। इसके लिए हमारे को चाहिए पुदीना, 5-7 पत्तियां, थोड़ा सा हरा धनिया, तिल रोस्ट किए हुए, हल्के रोस्ट जो मैंने पहले से ही रोस्ट किए हुए हैं, और थोड़े से प्याज, लहसुन की कलियां। इसके बदले में आप लहसुन भी दे सकते हो 2-4, और थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च ऑप्शनल है, आपने डालनी हो तो डालो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अनारदाना, अगर अनारदाना नहीं है तो आप नींबू का यूज भी कर सकते हो। अब इन सबको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। ये मैंने सब पहले से धो के रखे थे, इसीलिए मैं अब डायरेक्ट डाल ही रही हूँ। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर है तो डालो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अनारदाना, अगर आपको दाने पसंद है तो आप डालो, अदरवाइज आप इसका पानी यूज करके इसको इस तरह से करके सिर्फ पानी भी डाल सकते हो। हमें अनारदाना पसंद है तो हम अनारदाना डालेंगे। पुदीना, नमक जितना आप खाते हो अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी और खाने के टेस्ट को और भी बढ़ाएगी। मैंने सिर्फ 20 से 30 सेकंड इसको मिक्सी चलाई है, अब आप चटनी देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। अब मेरी चटनी तैयार है, इसीलिए मैं इसको बाउल में डालूंगी। नमक आप इसमें काला नमक भी यूज कर सकते हो, अगर नमक कम है, आप कच्चा नमक नहीं खाते हो तो आप इसमें काला नमक भी यूज कर सकते हो। इसको बनने में हार्डली सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम।